आप ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो 60 से 70 मन वजन कैरी करे और पेट्रोल सिर्फ 1 लीटर में खाए 30 किलोमीटर करे, यानी 1 लीटर में 30 किलोमीटर करे। तो जनाब ये वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, आपको सारी मालूम इस वीडियो में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मलक रमीज मलक फैसला ऑटो सियालकोट से। जनाब इस गाड़ी जो आज आपको मैं गाड़ी दिखाने लगा हूँ तो हम इसे सीवा पावरफुल मशीन कहते हैं जी। ये इसके पीछे भी हमने लिखवा दी है, बहुत सी कंपनियां हमारी कॉपी कर ली है, नाम रख लिया, नाम रखने से म्यार नहीं बन जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी का नाम है वही अतमाद है सीवा का। तो जनाब इसकी वीडियो शुरू करते हैं। जनाब इसके फ्रंट शॉक की बात कर लूँ तो इसे मुकम्मल स्टील के राड वाले शॉक लगे हुए हैं, यानी कि एक शॉक और एक स्टील का राड। हम इसे डबल शॉक कहते हैं लेकिन स्टील राड वाले शॉक कहा जाता है, इसे डबल शॉक ही ज़्यादा मशहूर है इसके। उसके अलावा जनाब 12 के टायर लगे होते हैं, चाहे सर्विस के लगें, चाहे पैंथर के लगें, चाहे कोई भी कंपनी के लगे, हम इसकी गारंटी देते हैं। जनाब पाकिस्तानी कंपनी होती हैं, सारी अच्छी हैं, सबका रेट एक बराबर ही होता है जनाब। उसके बाद जनाब सीवा की एलईडी वाली लाइट, सीवा का मोनोग्राम, सीवा के एलईडी वाले इंडिकेटर सीवा का मोनोग्राम के साथ, सीवा का बैरोमीटर सीवा का मोनोग्राम के साथ, जिसमें आपको दिखाया जाएगा पेट्रोल कितना है फ्यूल टैंक में और स्पीड कितनी पे जा रहे हैं आप, और गियर शिफ्टर यानी कौन से गियर पे आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है जनाब, सीवा की एम्ब्रांडिंग हुई है अंदर जनाब, स्लफ और ये किक स्टार्ट है जनाब, ये स्लफ वाला बटन और दूसरी तरफ किक का, दोनों ऑप्शन इसके साथ हैं जनाब। डबल इंडिकेटर यानी पार्किंग इंडिकेटर भी कहते हैं, जैसे पूरी गाड़ी के चारों इंडिकेटर जिससे रोशन हो जाते हैं वो वाले इंडिकेटर हैं जनाब। आगे विंग्स लगे हुए हैं, कंपनी ने लगाए हैं जी, पर लोहे के हैं ये, प्लास्टिक के नहीं है जनाब। उसके अलावा जी फैन लगा हुआ है जो इंजन को वो ठंडा रखता है जनाब। जोंगशन का इंजन है जनाब, पूरे पाकिस्तान में सीवा वाहद कंपनी है जो जोंगशन का इंजन इस्तेमाल करती है। उसके बाद चेसी डबल है, ये आपको पता है कि सीवा की चेसी की जो होती है गेज वो 12 होती है और बाकी सारी कंपनियां कोई 16 गेज लगाती है, कोई 14 गेज लगाती है। और इसके अलावा जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है वो BMW की तरह का लगा हुआ है जनाब, यानी BMW वाला फ्यूल टैंक लगा है और बहुत बड़ा 24 लीटर का फ्यूल टैंक है जनाब। उसके बाद जी इसकी चेसी में और बढ़िया खूबियाँ जो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा आपको वीडियो में, जब आप हमारे पास आएंगे उस वक्त दिखाऊंगा। उसके बाद जनाब और बड़ी क्वालिटी है ठीक है, जो इसमें अभी तक अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट लाजमन कीजिएगा। नीचे की बात कर लूँ तो नीचे इससे बड़ा पावर गेट लगा हुआ है जो 4x4 गाड़ियों को लगा होता है, और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 कमानियों के विंग्स हैं, 12 mm की कमानियाँ लगी हुई हैं। अब इसमें बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जो मोटाई है ना कमानी की, ये मोटाई है ये 12 mm की है, और दूसरी कंपनियों की जो लगी होती है वो 6 mm की लगी होती है, यानी ये दुगनी मोटी है दूसरी कंपनी की 6 mm की, इसकी 12 mm की, ये मोटी है और 7 विंग्स हैं। और दूसरी इसके बरक्स दूसरी कंपनियों ने किसी ने 5 लगाई हैं, किसी ने 6 लगाई हैं, किसी ने 7 भी लगाई हैं ना, तो उसकी भी कमानियाँ ब्रीक होंगी। उसके बाद साथ में इसका रेयर शॉक भी दे दिया कंपनी ने, यानी कमानियों के साथ अब्जर्व शॉक भी दिया है और एक रबड़ का ठिया भी आपको नजर आ रहा है इसके साथ, यानी रबड़ का ठिया भी नजर आ रहा है। बड़े एक्सल वाली शावर लगाई है, 5 नट वाली बड़ा एक्सल है। इसकी एक छोटी सी क्वालिटी ये है जो किसी भी कंपनी ने नहीं बनाई कि अगर आपका एक्सल टूट जाता है तो ये कंपनी का हमारा व्हील नहीं खुलेगा। दूसरी कंपनियों का ये होता है कि जब एक्सल टूटते हैं तो उनके व्हील खुल के यानी गाड़ी एक तरह से गिर जाती है, हमारा ये वाला मामला नहीं होगा। इसके बाद जी बॉडी की बात कर लूं, इसकी बॉडी की गेज सारी कंपनियों से भारी लगाई गई है, और फूलों वाली चादर की, फर्श भी और सैटें भी फूलों वाली चादर की, और उसके अलावा सीट भी फूलों वाली चादर की बनी हुई है जनाब। तो इसका ये 360 व्यू दिखा दूंगा आपको, ठीक है जनाब। एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं नए डिजाइन की, ठीक है, किसी भी के पास इस तरह के इंडिकेटर के डिजाइन नहीं है, एलईडी लाइट्स हैं, और ऊपर डाले की भी सहूलत दे दी गई है। इसके डाले की हाइट इतनी कोई भी कंपनी अपने इतनी बड़ी हाइट वाला डाला कोई भी कंपनी नहीं बना रही, ये 200 cc को जो लगे होते हैं डाले उसकी हाइट इतनी होती है, यानी इससे भी 3-4 इंच की हाइट ऊँची है, तकरीबन 30 से 31 इंच की पल्लों की हाइट है जनाब। तो इसके बाला बरक्स अब पेट्रोल की एवरेज आपको मैंने शुरू में बता दी थी कि ये 1 लीटर में 25 से 30 किलोमीटर की एवरेज देता है मैदानी इलाकों में, और 60 से 70 मन वजन कैरी करता है मैदानी इलाकों में। अगर आप कोई क्या कहते हैं पहाड़ी इलाकों में हैं तो अपने इलाके के हिसाब से ये वजन कैरी करेगा और पेट्रोल की एवरेज देगा। नंबर वगैरह का इशू अलहमदिल्ला इसका सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, चंद दिनों में इसके नंबर लगने शुरू हो जाएंगे।
लेने के लिए मतलब फैसला ऑटो पे आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, सियालकोट में हम किस्तों का काम भी करते हैं। और रेट की बात कर लूँ तो रेट यार आप आ जाएं पूरे पाकिस्तान से रेट कंफर्म करें फिर बताऊंगा रेट, या व्हाट्सअप करके ये जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर रब्ता कर लीजिएगा। तो हमें रखिएगा याद, आपका दोस्त मलक रमीज, अस्सलाम वालेकुम। वैसे हमारे पास चांदगारी ऑटो रिक्शे की वरायटी, सारी वरायटी अवेलेबल है।